नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा जो आप लोग के मोबाइल कभी गुम हो जाते हैं, कहीं पर आप शादी में गए या कहीं मार्केट में कहीं खो गया या गिर गया है, तो उसको जो आप ट्रैक कैसे करें और जिसको भी वो मिला है उससे आप रिटर्न कैसे लें, ये सारी चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग जो है ये ट्रिक मोबाइल और पीसी दोनों से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग को गूगल पे फाइंड माई डिवाइस टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग फाइंड माई डिवाइस टाइप करेंगे और सबसे पहले आप लोग को अपना मेल आईडी और अपना पासवर्ड आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग के पास मोबाइल हो या पीसी हो डज नॉट मैटर, आप लोग किसी भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो है लॉगिन करिएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, आप लोग देख सकते हैं मेरा जो है लॉगिन है। ठीक है, जो मेरा जो मोबाइल गुमा था वही वाला मेल जो है मेरे को अदर मोबाइल या कंप्यूटर पे लॉगिन करना है अपने। ठीक है, जब मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे फाइंड माई डिवाइस यहाँ पर जो है गूगल सर्च पे टाइप करना है, जब मैं फाइंड माई डिवाइस के जो है सेक्शन पर आ जाऊँगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है मैं लॉगिन हूँ तो मेरा जो मोबाइल है वो C3 है, यहाँ पर ये शो कर रहा है। यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस गूगल, इस पर मुझे क्लिक करना है। याद रखिएगा आपको आपका मेल आईडी याद होना चाहिए जो उस मोबाइल में डला हुआ था। ठीक है, और पासवर्ड भी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है यहाँ पर मेरा जो है पूरा डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो है उस लोकेशन पर लेकर जाएगा जहाँ पे लास्ट टाइम पर मेरा मोबाइल डिटेक्ट किया था। अगर सामने वाले ने बंद भी कर दिया होगा तो भी ये लास्ट लोकेशन पे मेरे को लेकर जाएगा, और चालू रहेगा तो ये एक्यूरेट लोकेशन पे बता देगा। ये एक्यूरेट लोकेशन जो है इसने बता दिया है, यहाँ पर जो है मेरा मोबाइल है। ठीक है, अभी मेरे पास में आप जो है जैसे आपके पास मोबाइल नहीं हो, लॉस हो गया, तो सबसे पहले आप लोग जो है गूगल पर टाइप करेगा फाइंड माई डिवाइस, लॉगिन कर लिएगा अपना मेल आईडी, उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर इस जो है पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको प्ले साउंड करना है, आप लोग प्ले साउंड करेंगे तो इसमें ऐसा होगा कि आपका मोबाइल जो है साइलेंट होगा, चाहे उसने साइलेंट करके रखा हो या फिर मान लीजिए किसी भी तरह का उसने म्यूट करके रखा हो, तो इस सबको ब्लॉक कर देगा और ये वाला साउंड हमेशा प्ले होगा। देखिए मेरा मोबाइल पास में है, मैं इस पर प्ले साउंड पर क्लिक करता हूँ, आपको मेरे मोबाइल की रिंग जो है सुनाई देगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो मेरा मोबाइल की जो है रिंग बजने लगी है। ठीक है, तो ये मेरे को अलर्ट कर रहा है कि मतलब जहाँ पर ही मेरा मोबाइल है। ठीक है, अब इसको जो है मैं यहाँ से स्टॉप रिंग कर सकता हूँ, तो यहाँ पर जो है इसकी जो मेरे मोबाइल की ये जो है स्टॉप रिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये बैटरी बता रहा है। ठीक है, और मेरी जो सिम लगी है इसकी डिटेल दे रहा है। अब मान लीजिए कई लोग को ऐसा रहता है मोबाइल से ज़्यादा डेटा की फिक्र रहती है, तो उन लोगों के लिए जो है आप लोग जो है इरेज डिवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है इरेज डिवाइस, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा फाइनल यू आर सबमिट इरेज जो है डिवाइस करके ऑप्शन आएगा, आप उसको ओके करेंगे तो जो भी आपके मोबाइल में डेटा होगा ठीक है वो सारा इरेज हो जाएगा, मतलब सामने वाले के हाथ में कुछ नहीं लगेगा, वो सब कुछ जो है इरेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है उन लोग के लिए जिन लोग को अपना डेटा बहुत मतलब प्राइवेसी जिन लोग को ज़्यादा मैटर रखती है मोबाइल से ज़्यादा, उन लोगों के लिए। बाकी आप लोग जैसे सामने वाले को मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमको मोबाइल रिटर्न कर, या फिर आप कॉल पर उससे बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है सिक्योर डिवाइस एक ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये, इस पर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आप लोग उसको मैसेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है उसको मैसेज टाइप करिएगा रिटर्न माई मोबाइल, जैसे मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पर जो है मैंने रिटर्न माई मोबाइल करके डाल दिया है और मैं अपने मोबाइल का नंबर डालूंगा। ठीक है, जैसे मैं अपने मोबाइल का जो भी नंबर है यहाँ पे मैं डालूंगा, उसके बाद मैं सिक्योर डिवाइस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सामने वाले के पास जो है एक कॉल चले आएगा और ये जो मैसेज है उसके मोबाइल में डिटेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है उसको मोबाइल में दिखेगा रिटर्न माई मोबाइल और यहाँ पर जो है नंबर से उसको कॉल जाएगा और वो फ़ोन उठा सकता है, उससे आप बात कर सकते हैं, वो आप लोग को बता देगा कि मैं यहाँ पर हूँ, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाइए और आपका मोबाइल ले जाइए। और अगर वो इस तरीके से नहीं बता रहा है, आपका जो है कॉल नहीं उठा रहा है, तो आप लोग जो है लोकेशन से उसको ट्रेस कर सकते हैं ये लोकेशन। तो आप लोग को जो है ये तरीके थे जो मैंने आपको बताया, आपके जो मोबाइल गुम हो जाते हैं तो उस तरीके जो है आप लोग जो है उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे उसका पता लगा सकते हैं। आई होप
इस बारे में आप लोग के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, हर एक तरीके की आप लोग को जो है ट्रिक पता चली होगी, हर एक चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी किस तरीके से हमको ट्रैक करना है हमारा मोबाइल अगर गुम हो जाता है तो। ये वीडियो जो है मैंने एजुकेशन पर्पस के थ्रू बनाई है, आप लोग इसका कभी मिसयूज़ नहीं करिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।